हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू आवर चैनल डेली हेल्थ टिप्स। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसे वन टाइम सब्सक्राइब कीजिए, ये बिल्कुल फ्री है, एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी कंप्लीट हेल्थ गाइड वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एंटी एजिंग एंड स्किन वाइटनिंग होममेड फेस सीरम को बनाने के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बूढ़ा दिखना कोई भी नहीं चाहता है, ख़ासतौर पर महिलाएं तो बिल्कुल भी ये पसंद नहीं करती हैं कि उनके चेहरे पर उम्र की सिकुड़न नज़र आए, है ना फ्रेंड्स। जी हाँ, तो ऐसे में ख़ुद को यंग दिखाने व एजिंग की निशानियों को छुपाने के लिए महिलाएं कई तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर ट्रीटमेंट्स का सहारा लेती हैं। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये सभी ट्रीटमेंट्स या फिर प्रोडक्ट टेम्पररी ब्यूटी के लिए तो ठीक है, लेकिन नेचुरल यंग व ग्लोइंग फेस पाने के लिए आज हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जिसे आप घर पर बना भी सकते हैं और पा सकते हैं यंग ग्लोइंग फेस विद इन ए वीक। जी हाँ फ्रेंड्स, और वो चीज़ है होममेड नेचुरल फेस सीरम। हाँ फ्रेंड्स, इस फेस सीरम की सबसे अच्छी बात यह है कि ये फेस सीरम ना सिर्फ आपके चेहरे का ग्लो बढ़ाएगा बल्कि फ्रेंड्स एंटी एजिंग की समस्या से भी आपको छुटकारा भी दिलाएगा। और तो फ्रेंड्स, आप इस सीरम का रोज़ाना इस्तेमाल करके अपनी उम्र से 10 साल छोटी दिखने लग जाएंगी। और फ्रेंड्स, इस फेस सीरम को आप घर पर ही बेहद आसान तरीके से बना सकती हैं। तो चलिए आज हम आपको होममेड फेस सीरम को बनाने के बारे में बताते हैं जिसे लगाने के बाद आपको किसी भी तरह का साइड इफ़ेक्ट का डर भी नहीं सताएगा। तो आइए जानते हैं कैसे बनाना है फेस सीरम। फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं फेस सीरम बनाने के लिए आपको ज़रूरी इंग्रेडिएंट जो चाहिए वो कौन से हैं। आपको चाहिए 2 बड़े चम्मच गुलाब जल यानी कि रोज़ वाटर, 3 से 4 बड़े चम्मच दूध यानी कि मिल्क, ग्लिसरीन का 1 बड़ा चम्मच। इसके साथ ही आपको चाहिए 2 विटामिन ई की कैप्सूल, 1 चम्मच पेट्रोलियम जेली और फ्रेंड्स आपको चाहिए 5 चम्मच एलोवेरा जेल। चलिए जान लेते हैं फेस सीरम को बनाने की विधि क्या है। फ्रेंड्स, आप सबसे पहले एक बड़ी कटोरी में गुलाब जल ले लीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स, अब आप इसमें दूध, ग्लिसरीन, विटामिन ई कैप्सूल, पेट्रोलियम जेली मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब इसके बाद फ्रेंड्स, आप इसमें एलोवेरा जेल को मिक्स करके इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। इससे होगा ये कि फ्रेंड्स, इसका टेक्सचर बिल्कुल सीरम की तरह हो जाएगा। जी हाँ, इसके बाद आप इसे एक कंटेनर में रख लीजिए। सो फ्रेंड्स, अब आपका फेस सीरम यूज़ करने के लिए एकदम रेडी है। चलिए जान लेते हैं आपको इस फेस सीरम को कब और कैसे लगाना है। फ्रेंड्स, आप इस घर पर बने हुए फेस सीरम को रोज़ाना दिन में 2 बार यानी कि 2 टाइम्स अपने फेस पर लगा सकते हैं। इसे लगाने के लिए आप सबसे पहले अपने हाथों में 3 से 4 बूंदें इस सीरम की ले लीजिए और फेस पर अच्छे से लगाकर इसे अपने चेहरे की सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए। फ्रेंड्स, इसकी मसाज आप तब तक करते रहें जब तक कि आपकी त्वचा इसे सोख ना ले। इसे फेस पर कुछ देर के लिए लगा रहने दीजिए और फ्रेंड्स, फिर आप चेहरे को साफ कर लीजिए। अगर आप चाहें तो फेस पर इसे लगा के रहने भी दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। जी हाँ, ऐसा रोज़ करने से आपको हफ्ते भर में ही फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपकी उम्र 30 के ऊपर हो चुकी है तो आप इस फेस सीरम को रोज़ लगा सकती हैं। यह आपकी झुर्रियों को तो कम करेगा ही, साथ ही फ्रेंड्स आपके चेहरे पर चमक भी लाएगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले इस यूजफुल वीडियो को आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना। जी हाँ, तो आइए जान लेते हैं इस होममेड फेस सीरम के अमेजिंग बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, इस सीरम में मौजूद एलोवेरा की वजह से ये आपकी त्वचा से संबंधित समस्याओं जैसे कि सनबर्न, रैशेस, मुहासे आदि से आपको राहत दिलाते हैं। और फ्रेंड्स, ये वास्तव में एक चमत्कारी सीरम है जो कि आपके त्वचा की सभी समस्याओं को दूर करता है, इसीलिए आप इसका इस्तेमाल अपने फेस पर ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, ये फेस सीरम आपके स्किन को डीपली नरिश करता है जिससे कि चेहरा हमेशा खिला खिला व हेल्दी नज़र आता है। इसके साथ ही चेहरे की खूबसूरती तभी बरकरार रह सकती है फ्रेंड, जब त्वचा अच्छे से हाइड्रेट हो। जी हाँ, तो ऐसे में त्वचा को हाइड्रेटेड रखने का काम करता है यह सीरम, इसलिए आप डेली इसका यूज़ ज़रूर कीजिए। और फ्रेंड्स, आपको बता दें कि ये होममेड सीरम क्रीम की तरह चिपचिपा नहीं होता है। और फ्रेंड्स, आपके चेहरे के रोम छिद्र यानी कि ओपन पोर्स को पूरी तरह से ढकने के बजाय उन्हें सांस लेने का मौका देता है। और हाँ फ्रेंड्स, आपको बता दें कि सीरम की हेल्प से आपका मेकअप भी बढ़िया होता है, क्योंकि फ्रेंड दरअसल ये फाउंडेशन लगाने के लिए आपकी त्वचा को चिकना बेस यानी कि स्मूथ बेस प्रोवाइड करता है।
इसीलिए आप मेकअप से पहले इस सीरम का इस्तेमाल जरूर कीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, सीरम लगाने से स्किन में कोलेजन की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि झुर्रियों की समस्या कम होती है। और फ्रेंड्स, आंखों के नीचे के डार्क स्किन को भी ये दूर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा इसे रोज़ाना इस्तेमाल करने से ये एजिंग की समस्या को दूर करता है और आप अपनी एज से 10 साल यंग दिखेंगी। इसके साथ ही फ्रेंड्स, आपके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा ग्लो भी बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ आपकी त्वचा यंग भी नज़र आएगी, इसीलिए आप इस फेस सीरम का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। और अगर फ्रेंड्स आपकी स्किन ऑयली है, तो ऐसे में ये सीरम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। और इसमें मौजूद विटामिन ई कैप्सूल किसी भी प्रकार के घाव के निशान को भी दूर करती हैं। साथ ही फ्रेंड्स, ये सीरम आपके फेस पर मौजूद दाग धब्बों को भी काफ़ी ज़्यादा हल्का कर देती हैं, जिससे कि आपके फेस में काफ़ी ज़्यादा निखार भी दिखाई देता है और आपका स्किन एकदम क्लीन एंड क्लियर दिखता है। इसीलिए आप इस फेस सीरम को बनाकर ज़रूर इस्तेमाल करें। सो फ्रेंड्स, अगर आपको भी चाहिए रिंकल्स फ्री ग्लोइंग और साथ ही यंग स्किन, तो आप इस नेचुरल होममेड सीरम को बनाकर ज़रूर यूज़ कीजिए और अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन, ईच हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।